उदाहरण दो, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा बराबर 5/13 दिया है और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, इसका अर्थ यह हुआ कि शेष त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा हुए। तो इन अनुपातों के मान हमको ज्ञात करना है जब साइन थीटा का मान हमको दिया हो। हम ये जानते हैं कि साइन थीटा जो है वो किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात के रूप में लिखा जाता है। तो 5/13 है तो समकोण त्रिभुज की दो भुजा है ये, तो क्या इसके लिए हमको किसी एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी जिसमें हम इसकी तीसरी भुजा ज्ञात करें, और तीसरी भुजा ज्ञात करने के बाद फिर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम ज्ञात करें। क्या हम बिना समकोण त्रिभुज बनाए भी इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं? तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा में भी एक संबंध है, टेन थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा के मानों में भी संबंध है। इसी प्रकार से साइन थीटा कॉसेक थीटा के मान में संबंध है, कॉस थीटा और सेक थीटा के मान में संबंध है, टेन थीटा और कॉट थीटा के मान में संबंध है। तो इन दोनों में जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनमें किसी न किसी रूप में हम संबंध देखते हैं। तो हम उन्हीं सर्वसमिकाओं और उन्हीं संबंधों का उपयोग करके भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या संबंध होता है जिससे हम कॉस थीटा का मान ज्ञात कर सकें? तो सर्वसमिका के रूप में आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको दिया हुआ है साइन थीटा का मान 5/13 और यदि यहाँ पर हम साइन थीटा का मान रखते हैं तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ साइन थीटा का मान रखेंगे पर इसके पहले हम इसको इस रूप में लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग। हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान नहीं पता है, हमको पता है साइन थीटा का मान, इसलिए हम साइन स्क्वायर थीटा को इस रूप में लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा का मान है 5/13, तो हम रखेंगे यहाँ पर 5/13, इसका करेंगे वर्ग। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 5/13 का वर्ग का मतलब है 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग होता है 25, और 13 का वर्ग तो 13 × 13 जब हम करेंगे तो हमको मिलेगा ये 169। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसको हम और सरल करेंगे तो इसका लघुत्तम होगा, यहाँ पर 1 के नीचे में 1 है तो 1 और 169, इन दोनों का जो लघुत्तम होगा वो 169 ही होगा। 1 से फिर इसे 169 को भाग करेंगे, 169 आएगा, फिर 169 से इसे 169 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा इसके अंश से गुणा होगा तो 25 से होगा, तो ये हो जाएगा 25। अब हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 169 में से 25 घटाएंगे, कितना आएगा ये, 9 में से 5 घटाते हैं 4 दिख रहा है, 6 में से 2 घटाते हैं 4 दिख रहा है, और ये फिर 1, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 144 आ रहा है, 144/169, अर्थात एक कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमको मिला है 144/169। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 144/169 है तो 144 को हम लिख सकते हैं 12×12 गुणनखंड के तौर पे, और 169 को लिख सकते हैं 13×13। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 12×12 है, इसका मतलब है 12 का वर्ग, और 13×13 है, इसका मतलब
13 का वर्ग अर्थात 12 बटा 13 का वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 बटा 13 का वर्ग। दोनों पक्षों का हम ले लेते हैं वर्गमूल। वर्गमूल लेने पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इसका वर्गमूल ऐसे, और ऐसे ही वर्गमूल के भीतर लिखेंगे 12 बटा 13 का वर्ग। तो वर्गमूल लेने से ये वर्ग जो है खत्म हो जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह भी हट जाएगा। इसी तरह से यह भी वर्ग खत्म हो जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो अब हमको यहाँ मिलेगा कॉस थीटा बराबर 12 बटा 13। अब आपने देखा कि साइन थीटा का मान दिया था हमने, सर्व समीका का उपयोग किया और कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लिया। दो मान हम और ज्ञात कर सकते हैं। साइन थीटा यदि दिया है तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा में हम संबंध जानते हैं, तो कॉसेक थीटा का मान लिख सकते हैं। वैसे ही अब कॉस थीटा हमको मिल गया है, तो कॉस थीटा और सेक थीटा में कोई संबंध है क्या? तो कॉस थीटा और सेक थीटा में भी संबंध होता है। तो यहाँ हम देखें कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा में क्या संबंध होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा के। अब चूंकि साइन थीटा का मान दिया है और हमको कॉसेक थीटा का मान चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, और यहाँ पर हम साइन थीटा का मान रख लेंगे। कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा लिखा हमने। अब हमको साइन थीटा का मान दिया हुआ है, तो हम 1 के बटे में साइन थीटा का मान रखेंगे। तो साइन थीटा का मान कितना दिया है हमको? साइन थीटा का मान है 5 बटा 13। तो इस तरह हमने कॉस थीटा कॉसेक थीटा का मान लिखा 1 बटा 5 बटा 13। फिर ये संख्या उलट जाएगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 1 बटा a बटा b यदि हम लिखते हैं कहीं पर, तो इसको हम लिख देते हैं b बटा a। तो इसलिए इसको हम लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर 13 बटा 5। इसी प्रकार से कॉस थीटा और सेक थीटा में भी कोई संबंध है, तो हम ये जानते हैं कि सेक थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम होता है इसका मतलब सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। अब चूंकि कॉस थीटा का मान हमको दिया है, हमने अभी ज्ञात किया कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का मान है 12 बटा 13। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 बटा 12 बटा 13। और फिर जैसे हमने कॉसेक थीटा का मान उलट कर लिखा था, वैसे ही इसको जब हम लिखेंगे तो सेक थीटा बराबर होएगा 13 बटा 12। साइन थीटा का मान मालूम है, कॉस थीटा का मान मालूम है, क्या हम टेन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा के। तो यदि हमको सूत्र पता हो, आपस में संबंध पता हो त्रिकोणमितीय अनुपातों के, तो हम मान ज्ञात कर सकते हैं। साइन थीटा का मान हमने यहाँ पे लिखा है 5 बटा 13, और कॉस थीटा का मान हमने लिखा है 12 बटा 13। तो हम इसको इस ढंग से लिखेंगे अब, टेन थीटा बराबर 5 बटा 13, और ये संख्या हम उलट देंगे, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? 13 बटा 12 हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से 13 और 13 कट जाएगा, तो 13 और 13 यदि हम कटा देते हैं, तो सरलीकृत करने के बाद हमारे पास बचता है 5 बटा 12। तो टेन थीटा का मान क्या मिला? 5 बटा 12। अब एक त्रिकोणमितीय अनुपात और बचा, और वो त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉट थीटा। तो क्या टेन थीटा और कॉट थीटा में भी कोई संबंध है? तो हमको ये पता है कि कॉट थीटा टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो हम फिर यहाँ पर कॉट थीटा का मान टेन थीटा के मान की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं।
कॉट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं एक बटा टेन थीटा, एक बटा टेन थीटा, और टेन थीटा का मान हमने अभी निकाला है 5/12। तो कॉट थीटा बराबर 1/5/12। फिर हम इसको क्या लिख पाएंगे यदि हम देखें तो फिर ये संख्या उलटकर 12/5 लिखी जाएगी, क्योंकि इसके पहले भी हमने ऐसे ही उलटकर लिखा था। तो ये संख्या अब ये कॉट थीटा का मान उलटने पर, संख्या को उलटने पर हम लिखेंगे कॉट थीटा बराबर 12/5। हमने इस तरह से सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। तो आपने ये देखा कि यदि एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो और समकोण त्रिभुज बनाने की जरूरत ना हो तो भी हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं।